गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ओलिविया पैनकेक को कैसे यूज़ करना है। लाइक मोस्टली सबको बहुत लोगों को पता है कि ओलिविया बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट होता है। अगर हम बात करें हाई कवरेज के बारे में, लाइक बहुत ज़्यादा हाई कवरेज होता है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे मिलता है, तो मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं इसको और ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट होता है। तो लेकिन इसका भी एक ट्रिक होती है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हो। लाइक आपको ग्लोई भी चाहिए, अगर आप हाई कवरेज के साथ साथ ऐसा यूज़ करो कि आपको ग्लोई इफेक्ट भी मिले, लाइक तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब आपको कैसे, जो मैं आगे बताऊंगी मैंने कैसे यूज़ किया उससे आपको ये ग्लोई इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पर मैंने कोई भी कंसीलर अपने फेस पे अप्लाई नहीं किया है। तो इसको कैसे यूज़ करना है मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में आप मेरे फेस पे देख सकते हो कवरेज वाव है, शाइन है और बहुत ही अच्छा यू नो इफेक्ट दे रहा है ये। और जो मेरा शेड है वैसे तो मैंने आगे मैंशन कर दिया, दैट इज़ गोल्डन येलो 21। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल पाएँ, लाइक वीडियोस की नोटिफिकेशन। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बता दूँ यहाँ पर मैंने लिया है ओलिविया वाटरप्रूफ पैनकेक और जो इसका शेड है दैट इज़ गोल्डन येलो 21। अगर आपका मेरे जैसा स्किन टोन है, मेरे जैसा कॉम्प्लेक्शन है तो ये बहुत अच्छे, सबसे बेस्ट जो इसका शेड होता है वो गोल्डन येलो होता है ओलिविया का। तो आज मैं वो तरीका बताऊंगी जिस तरीके से आप इस ओलिविया को जब आप अपने फेस पे लगाओगे तो ये बहुत ज़्यादा शाइनी और बहुत ज़्यादा हाई कवरेज, तो ये सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा हाई कवरेज होता है, तो इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं बताऊँगी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई होता है तो इससे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करना, अपने फेस को प्राइम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपने फेस को करूँगी मॉइस्चराइज। तो सबसे पहले मॉइस्चराइज करना फेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके फेस को ये ड्राई करेगा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से इसको मॉइस्चराइज करो। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने फेस को करूँगी प्राइम, मतलब कि प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने लिया है बहुत अफोर्डेबल NYBA का प्राइमर। तो मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। बात करते हैं कैसे हमें ओलिविया पैन को केक को यूज़ करना है बहुत ज़्यादा हाई कवरेज और ग्लॉसी लुक के लिए। तो जब मैं इसको खोलूँगी तो ये शेड कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा येलोइश टोन पे रहता है ये। तो करना क्या है, इसको लेना है और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, एक वेट चाहिए आपको ब्लेंडर, थोड़ा सा वेट होना चाहिए क्योंकि ये ड्राई एक्सट्रीम लेवल का ड्राई रहता है, तो इसलिए ड्राई का तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप सही प्रोसेस होता है कि आपको उसको वेट करके ही यूज़ करना रहता है ब्लेंडर को, तो मैं अच्छे से इसको डिप करके और ऐसे स्क्वीज कर दूँगी, अच्छे से स्क्वीज करना है, उसमें वाटर ना रह जाए। उसके बाद क्या करना है मैं बताती हूँ। तो हल्का सा छोड़ना है ताकि थोड़ा सा पैनकेक में भी यूज़ करना पड़ेगा। करना क्या है, आपको लेना है थोड़ा सा ऑयल, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आपको थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लेना है, लेकिन आपकी ड्राई स्किन है तो आप ले सकते हो जितना अमाउंट आप चाहते हो। लाइक आपने लिया, उसके बाद आपको हल्का सा इसमें डालना है, ठीक है, हल्का सा इसमें मैंने डाल दिया है। और उसको करना क्या है, उसको आपको अच्छे से ऐसे से अप्लाई कर देना है, उसमें डाल देना है, लाइक ऐसे से मिक्स कर देना है इस ऑयल को। उसके बाद क्या करना है, आपको ये ब्लेंडर लेना है, इसमें ऑलरेडी वाटर था तो इसको हल्का सा स्क्वीज कर दिया इसमें, आप देख लो ये एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाएगा और पूरा कायदे से आप उसको स्क्वीज कर लेंगे। तो ऑयल आप डाल दोगे ना तो एक बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाएगा और ये वेट फॉर्म में आ रहा है, धीरे धीरे वेट फॉर्म में आ रहा है, लाइक वेट फॉर्म में आ रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है ये ब्लेंडर और ब्लेंडर से आप इसको अप्लाई करना है फेस पे। तो देख रहे कवरेज बहुत ही अमेजिंग कवरेज आएगा, और जब आप ऑयल मिला लोगे ना तो सुपर्ब कवरेज आएगा। आप ये देख रहे हो, डिफरेंस देख रहे हो, जो कवरेज है वाव कवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा कवरेज है, आप देख सकते हो। अगर आप इस ट्रिक से लगाओगे ना तो आपका फेस बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, चाहे वो ऑयली स्किन हो चाहे वो कोई स्किन हो। अगर आप पैनकेक यूज़ करो एक बार ऐसे यूज़ करके देना, देखना ऑयल प्लस वाटर के साथ,
तो इतना अच्छा कवरेज मिलेगा आपको, इतना अच्छा शाइनी इफेक्ट मिलेगा कि मैं क्या बताऊं। तो ऐसे करके अच्छे से, और अगर फिर से ड्राई हो जाता है, पैनकेक बहुत जल्दी ड्राई होता है, तो आप उसमें फिर से आप हल्का सा ऑयल और प्लस वाटर मिला सकते हो। मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हो मैंने कंसीलर भी अप्लाई नहीं किया, और जो इसका कवरेज है दैट इज वाओ, मतलब बहुत सुपर अच्छा ग्लॉसी लुक आ रहा है, क्योंकि ये जो ग्लोई आप देख रहे हो, क्योंकि जो पैनकेक होता है बहुत ज्यादा ड्राई होता है, तो ये जो ग्लोई लुक आया है वो सिर्फ और सिर्फ आया है दैट इज इसके वजह से, जो कि है जॉनसन्स बेबी ऑयल। आप ये ऑयल सबसे सेफ रहता है आपके फेस के लिए, क्योंकि बेबी ऑयल रहता है तो इसमें इतने ज्यादा केमिकल नहीं होता है। तो आई थिंक अगर आप ऑयल प्रेफर कर रहे हो तो आप कोई अपना जो भी ऑयल यूज करते हो लाइक फेस पे वो भी यूज कर सकते हो, बट मैं यही एडवाइस दूंगी कि बेबी ऑयल बेस्ट है। आप ये जॉनसन्स बेबी का छोटा पैक लेके यूज कर सकते हो और आप इफेक्ट देख सकते हो, जो शाइनी इफेक्ट आ रहा है ना वो सिर्फ बेबी ऑयल की वजह से आ रहा है। तो आप ऐसे अगर यूज करोगे इसको तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा, एक बार आप यूज करके देखना। ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और आई थिंक यूजफुल होगा। तो अगर यूजफुल हो तो प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको सारी वीडियोस आप देख सको लाइक, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं और भी बहुत सारी यू नो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, टिल देन बाय बाय।